सोनी रॉय और सूरज नारायण शादी के बंधन में बन चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा की ही तरह मोनी रॉय भी दो अलग अलग तरह से शादी की। उनकी एक शादी दक्षिणी भारतीय तौर पर तरीकों से हुई तो दूसरी बंगाली रीति रिवाजों से हुई। जितनी खूबसूरत मोनी रॉय अपने दिल की शादी में लगी उतनी ही रात में भी हुई लगी बंगाली शादी में भी दिखी। मोनी रॉय के इस लाल लहंगे को डिजाइनर सब्यसाची ने डिजाइन किया। इस लहंगे में साथ उन्होंने दो ऑरेंजिंग दुपट्टे लिए। इस दुपट्टे पर हैंडमेड डिजाइन है जिसके किनारे पर आयुष्मती भव लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी मोनी रॉय अनमोल ज्वेलरी के गहनों को चुना और अनकट डायमंड और एमराल्ड ज्वेलरी ग्रीन और गोल्डन सेट में है। उनके गहनों में भारी माथा पट्टी सभी को ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। वह नाक में पतली सी नथ पहनी हुई है। अपनी कुंदन की चूड़ियों में सफेद कड़े और शामिल किए। वही पति सूरज ने बीज शेरवानी को इस बंगाली शादी पर पहना। सूरज और मोनी ने सिर पर बंगाली मुकुट नहीं पहना था लेकिन वे फिर भी साथ में सुंदर नजर आ रहे थे। शादी के मंडप पर मोनी रॉय की लकड़ी के पटरे पर उनके भाई मुखर रॉय और दोस्त राहुल सेट्टी प्रतीक और मीत बदर्स के मनमीत उठाकर लाए। उन मोनी रॉय बंगाली ब्राइडल की तरह हाथों में पान के पत्ते लेकर चेहरे पर ढकती नजर आई और मंडप में पहुंची। अच्छा दोस्तों, आपको मोनी रॉय के ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना। Thank you.